सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, सारे भाई लोग। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। डाउट किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जोमेटो के अंदर 4 से 5 घंटे काम करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी अर्निंग डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मैं कितनी अर्निंग कर लेता हूं पर डे जोमेटो के अंदर काम करके, तेल खर्चा निकाल के 4 से 5 घंटे। मतलब मैं काम करता हूँ भाई 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और कभी कभार 12 भी बज जाते हैं। मतलब कोई ऑर्डर मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस का आ जाता है तो भाई 11:30 से 12 के बीच में टाइम हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस बीच में मेरी अर्निंग कितनी हो जाती है, कितना तेल खर्चा होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कितनी अर्निंग कर लेता हूं। ठीक है ना, तो आप लोगों को एवरेज अर्निंग का भी पता चल जाएगा भाई जोमेटो के अंदर 4 से 5 घंटे काम करके कितनी अर्निंग कर लेता हूं मैं, और आप लोग कितनी कर सकते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो से जो भी डाउट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों को मेरा अर्निंग डेटा दिखाता हूं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एवरेज जो अर्निंग मेरी हो जाती है वो कितनी होती है वो आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है ना, तो इसके लिए अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पे चल के मैं आप लोगों को अपनी वीकली अर्निंग दिखाता हूं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो और मैं कितनी करता हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सो दोस्तों, अभी आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ से जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड यहाँ से जाते हैं भुगतान के अंदर। भुगतान के अंदर जाने के बाद हम साप्ताहिक अर्निंग पर जाते हैं, वीकली अर्निंग पर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा -10 रुपये बता रहा। इसका रीज़न ये है कि भाई जो TDS कटा था पिछला जो अर्निंग का, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो TDS कटा है वो आप लोग देख सकते हो, ट्रांसफर फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब -10 रुपये कटा है या TDS का कटा है एडिशनल अमाउंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अर्निंग बताता हूँ, एक अपना अर्निंग डेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सप्ताह सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, सप्ताह सेलेक्ट करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मैंने काम किया था, उस हफ्ते में सही से मैंने काम किया था, तो मैं आप लोगों को उसकी सही से अर्निंग दिखा देता हूं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो भाई मैंने 3 दिन काम किए थे। ठीक है ना गाइज, मैंने आप लोगों को बताया भाई मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन जोमेटो के अंदर काम करता हूं, क्योंकि मैं फुल डे जॉब करता हूं, इसलिए दोस्तों 1 दिन मेरे को रेस्ट चाहिए होता है वीडियो एडिट करने के लिए, और साथ ही साथ भाई नींद भी ले पाऊँ मैं पूरी। ठीक है ना, तो इसलिए भाई मैं रेस्ट करता हूं 1 दिन छोड़ के 1 दिन जोमेटो करता हूं, ताकि मेरा साइड खर्चा भी निकलता रहे जोमेटो से और साथ ही साथ भाई मुझे रेस्ट भी मिलती रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी वीकली जो इनकम है, आप लोग देख सकते हो 3 दिन मैंने काम किए थे, 3 दिन में मैंने ट्रिप लगाई 26 और ऑर्डर किए थे भाई 30, कुछ मल्टी ऑर्डर थे इसलिए यहाँ पे जो है एक ऑर्डर के साथ 2 ऑर्डर जा रहे थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो लॉगिन आवर्स आप लोग देख सकते हो मेरा 13 घंटा बता रहा है, 3 दिन में मैंने 13 घंटा काम किया, 13 घंटा कुछ यहाँ पे पॉइंट 2 बता रहा ना, तो यहाँ पे कुछ मिनट ऊपर हो सकते हैं, तो हम मान के चलते हैं भाई 13 घंटा। ठीक है ना, 13 घंटा मेरी ऑर्डर अर्निंग हुई है आप लोग देख सकते हो 1180 रुपये, और यहाँ पे जो है कस्टमर ने टिप्स दिया था 50 रुपये, और बाकी यहाँ पे एडिशनल अमाउंट वगैरह है, इंसेंटिव मेरे को मिला था भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 1 दिन 100 रुपये मिला, 1 दिन 135 रुपये मिला और 1 दिन 150 रुपये मिला। ठीक है ना, ये सैटरडे का है 150 रुपये और थर्सडे को 135 रुपये, 15 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा किया था एक बार, और थर्सडे डिनर का है ये 250 रुपये पे 100 रुपये इंसेंटिव मिलता है। ठीक है ना, तो जोमेटो का जो इंसेंटिव टारगेट है वो डे बाई डे चेंज होता रहता है, फेस्टिवल पे अलग रहता है और नॉर्मल डे में अलग रहता है, संडे को अलग रहता है। ठीक है ना, तो वो मैं आप लोगों को किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हो मेरी टोटल अर्निंग हो रही है 1596 रुपये। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पर डे एवरेज इनकम कितनी हो जाती है जोमेटो के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी लाइनें यहाँ पे बनी हुई है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने काम किया था 2 जनवरी को 501 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसमें भाई जो हमेशा एवरेज तेल खर्चा होता है वो 150 रुपये होता है। ठीक है ना, लगभग 150 रुपये का तेल खर्चा मेरा हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से मैंने 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने काम किया था 4 जनवरी को 573 रुपये की मेरी यहाँ पे अर्निंग हुई है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी भाई आप लोग 150 रुपये तेल खर्चे का निकाल दीजिए, मतलब 75 से 80 किलोमीटर मेरी गाड़ी आराम से चल जाती है। कभी कभार मतलब इंसेंटिव ज़्यादा होता है तो गाड़ी कम चलती है, ऑर्डर कम मिलते हैं, ऑर्डर कम मिलते हैं और इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाता है तो अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है, गाड़ी भी 60-65 किलोमीटर चलती है। तो मैंने जो है खींच तान के आप लोगों को बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गाड़ी चलती है तो वो 80 किलोमीटर के आसपास चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। कभी कभार चली जाती है गाड़ी 100 किलोमीटर के आसपास, जब मतलब भाई कभी कभार लोकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर भाई इंसेंटिव वगैरह कम होता है तो उस दिन अर्निंग कम होती है। ठीक है ना, तो इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है अर्निंग बढ़ाने के लिए। ठीक है ना गाइस, इंसेंटिव जिस दिन ज़्यादा होता है उस दिन अर्निंग भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो 4 तारीख को मैंने काम किया था, उसके बाद 5 तारीख को काम नहीं किया, 6 तारीख को काम किया, तो 6 तारीख की अर्निंग आप लोग देख सकते हो 533 रुपये। तो भाई यहाँ पे मैंने काम किया था, 3 दिन काम किया था और 13 घंटा यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, 4 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 घंटे होते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे मैंने काम किया और 4 साढ़े 4 घंटों में मेरी जो अर्निंग हुई है वो 500 रुपये से ऊपर जा रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कस्टमर ने टिप्स भी दिया वो यहाँ पे एड ऑन हो गया। ठीक है ना गाइस, तो भाई कुछ कस्टमर भी टिप दे देते हैं तो वो भी अर्निंग ऐड हो जाती है यहाँ के अंदर है। ठीक है ना, पेआउट के अंदर, तो यहाँ पे जो है पेआउट ज़्यादा सो होता है। ठीक है ना गाइस, मान लीजिए यहाँ पर 573 बन रहा ना, यहाँ पे 50 रुपये कस्टमर ने टिप्स दे दिया तो यहाँ पे 523 रुपये के आसपास मेरी अर्निंग हो गई होगी। ठीक है ना, तो मतलब टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 रुपये का टारगेट यहाँ पे तीनों ही दिन में हो रहा है। ठीक है ना गाइस, अगर 500 रुपये का टारगेट तीनों ही दिन हो रहा है तो यहाँ पे अगर मैं 500 रुपये में से 150 रुपये माइनस कर दूँ तेल का तो यहाँ पे मेरी अर्निंग बचती है भाई 350 रुपये।
तो एक एवरेज अर्निंग हो रही है भाई तेल खर्चा सारा कुछ निकाल के 300 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है ना गाइस। 350 हो रहा है, कभी कभार 400 रुपये भी हो जाता है, कभी कभार भाई अर्निंग ज़्यादा भी हो जाती है, यहाँ पे 500 रुपये बता रहा है, यहाँ पे टारगेट 600-650 तक भी जा सकता है, ठीक है ना गाइस। इंसेंटिव पे वरी करता है, कभी कभार फेस्टिवल होता है तो इंसेंटिव ज़्यादा मिलता तो टारगेट भाई 600 रुपये तक भी चला जाता है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों यहाँ पे एवरेज अर्निंग की बात करें तेल खर्चा निकाल के 150 रुपये मैंने आप लोगों को बताया पर डे के हिसाब से, जब भी मैं जाता हूँ तो उतना तेल जलता है आराम से 140-150 रुपये, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जोमेटो के अंदर अगर आप लोग पर डे काम करते हो तो 9 से 10 हज़ार आराम से कमा सकते हो, मतलब भाई पर डे के हिसाब से अगर 300 रुपये भी बचते हैं ना तो 9 हज़ार महीने का होता है, और भाई 350 करते हो तो लगभग आपका 10.5 हज़ार महीने का पड़ जाता है जोमेटो के अंदर 4 से 5 घंटे काम करके, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं भाई, मैं पूरे 5 घंटे काम नहीं करता हूं, मैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गिग्स बुक करता हूं, कभी कभार मेरा मतलब 11 से ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि कोई लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर मिल जाता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो उस दिन हो सकता है 12 भी बच जाए क्योंकि उस ऑर्डर को कंप्लीट करके आना होता है मेरे को, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जितनी भी अर्निंग आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने सिर्फ 4 घंटे काम किया, 4 घंटों का ही गिग्स बुक किया है, बट यहाँ पे 13 घंटा बता रहा है, 4 घंटों के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 घंटा होता है, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर लॉन्ग डिस्टेंस मिल जाता तो उसमें भाई टाइम लग जाता, उसका टाइम भी यहाँ पे एड ऑन होता है, ठीक है ना। तो 4 घंटे की अर्निंग आप लोग देख सकते हो 573 रुपये, 533 रुपये, 501 रुपये, ठीक है ना गाइस। अगर दोस्तों यहाँ पे 1 घंटा और काम कर लिया होता यानी कि भाई 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर काम कर लेता और टोटल यहाँ पे लॉग इन आवर्स 15 घंटे होते तो अगर आप लोग 5 घंटे पूरे काम करते हो तो आराम से आपकी अर्निंग 400 रुपये तक जा सकती है तेल खर्चा निकाल के, और महीने का आप लोग पार्ट टाइम काम करके 12,000 रुपये कमा सकते हो इजिली जोमेटो से, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा का पूरा अर्निंग डेटा जो कि मैंने आप लोगों को बताया टोटल, ठीक है ना। एंड दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि भाई पर डे जोमेटो के अंदर काम करके एवरेज अर्निंग कितनी हो जाती है तेल खर्चा निकाल के, ठीक है ना, डेली बाई डेली, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन आपका टारगेट आराम से 10,000 तक बैठ जाएगा, ठीक है ना गाइस। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी अर्निंग कितनी हो जाती है जोमेटो से, मतलब कि एवरेज मैंने आप लोगों को बताया टारगेट रहता है भाई 500 रुपये आराम से मैं जोमेटो से कमा लेता हूँ, मतलब भाई 7 से 11 बजे तक मैं काम करता हूँ, हमेशा इतना ही काम करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट दोस्तों कभी कभार लॉग इन आवर्स ज़्यादा हो जाता है। अब इसका रीज़न ये है कि दोस्तों मान लीजिए 10:59 पे मेरे को ऑफलाइन होना है, बट वहाँ पे अगर मेरे को ऑर्डर मिल जाता और वो ऑर्डर लगभग 10 किलोमीटर का मिल जाता तो उसमें कम से कम आधा घंटा लगता है, तो वहाँ पे हो जाता भाई 11:30 का टाइम, ठीक है ना, और उसके बाद मैं हो जाता हूँ ऑफलाइन, ठीक है। तो वो भी लॉग इन आवर्स जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 13 घंटा आप लोगों ने देखा ना भाई, तो मैंने सिर्फ 4 घंटे तक के गिग्स बुक किए थे, बट यहाँ पे 13 घंटा हो रहा तो वो एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डर मिल जाता है लास्ट में, 1-2 मिनट बाकी रहता है 11 बजे से, तो उस बीच में अगर कोई ऑर्डर मिल जाता है तो मेरे को पूरा करना होता है, उसका जो भी लॉग इन आवर्स होता है 10 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा उसका एड ऑन हो जाता है, ठीक है ना। बट ये अगर आप लोग 5 घंटे काम करते हो ना गाइस, लगातार 5 घंटे काम करते हो तो आराम से आपकी अर्निंग जो है 400 तक पहुंच जाती है तेल खर्चा निकाल के, ठीक है ना। जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ या फिर जिस सिटी में मैं काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया आपके सिटी में किस तरह से काम होता है जोमेटो का और कितने राइडर हैं और कितना क्या ऑर्डर फ्लोटिंग है, ऑर्डर कितने मिलते हैं, जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उतना ज़्यादा अर्निंग होगी, जाहिर सी बात है दोस्तों, ठीक है ना। आपकी सिटी में कितने ऑर्डर का माहौल रहता है, कितना ज़्यादा ऑर्डर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अर्निंग होती है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरी अर्निंग कितनी होती है वो क्लियर आप लोगों को बता दिया, एंड जो भी डाउट है आप लोगों का वो भी क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो मेरी अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर मेरा अर्निंग डेटा देखा जाए उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मंथली औसत अर्निंग निकालूँ तो दोस्तों लगभग 10,000 से बाहर मेरी अर्निंग जाती है। अगर 350 रुपये का भी टारगेट लेकर चल तो 10,500 की अर्निंग होती है। अगर मैं 5 घंटे पूरा काम करता हूँ तो आराम से मेरी अर्निंग 12,000 तक महीने का तेल खर्चा निकाल के हो जाती है, और उसके अंदर भाई अगर मैं 2,000 रुपये अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल दूँ तो 10,000 आराम से 5 घंटे काम करके कमा लेता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि भाई जोमेटो के अंदर 4 से 5 घंटे काम करके कितनी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।